हम लोग का मन किया कि चलते हैं बनारस घूमने, सपनों का शहर। सो हम लोग बैग उठाया और चलते बने। हम लोग अभी स्टेशन पे हैं, कुछ देर बाद ट्रेन आने वाली है। अभी हम आ चुके हैं काशी। रात के बज रहा 12 और ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ था। जो आप देख सकते हैं काशी स्टेशन कितना अच्छा दिख रहा है, कितना मंदिर की तरह दिख रहा है। सो यहाँ पे हम लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। फोटो क्लिक करने के बाद एक फ्रेंड है उन्हीं का रूम में जाएंगे, रात भर हम लोग रहेंगे। रात भर रहने के बाद कल सुबह हम निकल जाएंगे बनारस घूमने के लिए। सो देख सकते हैं रास्ते में ये मिल गया, वो पुल कितना औसम, कितना अच्छा दिख रहा है। जो वाराणसी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि सबसे पुराना शहर है बनारस। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शिव जी ने खुद बनारस की स्थापना की थी। जब आप बनारस घूमने आओगे तो एक चीज को जरूर नोटिस करोगे, यहाँ का माहौल, यहाँ का धर्म। जहाँ दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध, बहुत अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। बहुत से लोग आते हैं बनारस घूमने। बनारस में एक ऐसा ऐसा स्थल है, पावन स्थल है, जो घूमने लायक है। अभी हम लोग जा रहे हैं घाट के पास। यहाँ पे देख सकते हैं जो अस्थियाँ जलती है उनका लकड़ी भी यहाँ पे बिकते हैं, पे हर चीज़ आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग सभी लोग फ्रेंड जा रहे हैं स्नान करने, ठीक है, गंगा घाट की ओर। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग अच्छी तरह से स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम लोग जाएंगे दर्शन करने, ठीक है। अभी हम लोग जाने हैं स्नान करने। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन लाखों लोग आते हैं दर्शन करने। वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज ले जाना अलाउ नहीं है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद भी, हर चीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लोगों का कहना है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये जगह। और तो और उनका दर्शन करने और पवित्र जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अलग अलग समय और अलग अलग टाइम पर यहाँ पे मूवी, सीरियल, हर चीज की यहाँ पे शूटिंग भी होती है। जिस समय हम लोग भी गए थे उस समय शूटिंग हो रही थी, जो आप देख सकते हो। और यही घाट पर ही बंदी देवी का एक मंदिर है, जो अपना कोई भी लोग अपना मनोकामना ताले बंद करके मांगते हैं और पूरा भी यहाँ होता है। बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं घूमने। कोई जरूरी नहीं सिर्फ हिंदू ही धर्म के लोग आते हैं, बहुत अलग अलग धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे बनारस घूमने। हम लोग भी गए थे, हम लोग फुल्ली एंजॉय किए, हमें फुल्ली अच्छा लगा हम लोग का। आप यहाँ पे आइएगा तो आप भी घूमने एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अलग अलग फील लगेगा। अगर आपका भी टेंशन में कुछ भी अगर आप हो तो एक बार आइए घूमने, घूमिए, इंजॉय कीजिए, आपको सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। एक बार जरूर आइएगा, घूमिए, इंजॉय कीजिए। बनारस में एक चीज और है जिसकी वजह से बनारस जान जाती है, वो है मृत्यु। यहाँ पे मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, लोग जीवन में लाया झगड़ा ही करते रह जाते हैं, लेकिन असली मतलब तब समझ में आता है जब यहाँ पे जब बैठिएगा तो आपको अंदर से ऐसे ऐसे फीलिंग आएगा कुछ कहने लगने की, जीवन क्या होता है और मृत्यु क्या होता है। मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आइए, घूमिए, यहाँ पे बैठिए, आपको असली जीवन का मतलब समझ में आएगा कि जीवन क्या होता है और मृत्यु क्या होता है। एक बार जरूर आप आइए यहाँ पे घूमिए कि असली जीवन क्या होता है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, आपको अलग अलग तरह का फीलिंग आएगा यहाँ पे बैठने के बाद। मैं यहाँ पे एक चीता बूझती नहीं है, 10 चीता यहाँ पे जलने के लिए आ जाती है यहाँ पे। जब आप बनारस आओगे तो 3 मंदिर जरूर घूमिएगा। पहला काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और काल भैरव मंदिर, और छोटे छोटे मंदिर भी आप घूम लीजिएगा। ये 3 मंदिर मेन मेन है और छोटे छोटे मंदिर भी आप घूम लीजिएगा। और यहाँ का सबसे फेमस चीज़ है मलैया, मात्र महीने में 2 बार ही मिलता है ठंड। अभी हम लोग घाट के उस और आए हुए हैं। सुबह से हम लोग बनारस आए थे, हम लोग फुल्ली एंजॉय किए, ऊँट पर भी बैठे हैं, देख सकते हो जो आप बैठे हुए हैं। हम लोग ऊँट पर बैठे थे, इतना हमको डर लग रहा था, नीचे जब देख रहे थे हमको बहुत ज़्यादा, हम लोग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। हम लोग 4-5 फ्रेंड थे, हम लोग फुल्ली एंजॉय किए। ऊँट पर बैठने के बाद अब हम लोग गए थे घोड़े पर बैठने।
फुल्ली इंजॉय किए, लेकिन हम लोग एक चीज छोड़ दिए और क्या था, आरती। हम लोग आरती नहीं देख पाए, लेकिन मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर मैं भी आऊंगा तो मैं आरती किए हुए नहीं जाऊंगा। हम लोग का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे जिससे हम लोग आरती नहीं देख पाए, लेकिन आप जो भी नेक्स्ट टाइम से जो भी लोग वीडियो देखें तो आरती एक बार जरूर देखिएगा। आप जब आरती सांझ को जब देखिए तो आपको अंदर से ऐसे फीलिंग आएगा ना भाई, कुछ कहने लायक नहीं। एक बार आरती आप जरूर देखिएगा, जब भी आप कभी बनारस आओगे तो सांझ को आरती देखे हुए मत जाइएगा, आपको बहुत अलग तरह का फीलिंग आएगा, बहुत शांत माहौल आपको दिखेगा। इसलिए मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप आइए बनारस आइएगा तो आरती मिसिंग नहीं कीजिएगा। सो गाइस, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं, अब मैं हम लोग जा रहा हूँ घर। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए, मजा ना यार सपोर्ट किए। जय हिंद, वंदे मातरम।